कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है। भारत इस वर्ष अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी खबर। 77 वर्ष पहले मिली यह आजादी कोई एक दिन की मेहनत नहीं थी। इसमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का खून, पसीना और प्राणों के बलिदान शामिल हैं। आज बात करेंगे कैसे और कब रखी गई आजादी के आंदोलन की नींव। वर्ष था 1857 का, भारत की आजादी से ठीक 90 वर्ष पहले। जी हां, वही 1857 की क्रांति, जिस क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था, जिस क्रांति ने देश में स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, इसी विद्रोह ने सबसे पहले भारतीयों में स्वाधीनता का स्वप्न पैदा किया था। यह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही, जो मूलतः भारतीय थे, उनके विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों के आक्रोश का परिणाम था। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन की अंत की शुरुआत चिन्हित की थी। चलिए अब जानते हैं क्या थे 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही घटनाओं की एक श्रृंखला का परिणाम था। पहला कारण था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। उन्होंने भारतीय आबादी पर भारी टैक्स लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिसने भारत के धन को कम किया और भारतीयों में आक्रोश को बढ़ाया। दूसरा कारण और बड़ा कारण था, सेना के लिए नई शुरू की गई इनफील्ड राइफल्स, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था, जिसे हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक अपमान के रूप में देखा जा रहा था। तीसरा कारण राजनीतिक था। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा शुरू कर दिया था, जिसके कारण भारतीय शासकों को उनके राज्यों से बेदखल कर दिया गया था। अपने राज्य को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण तक के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और उन्हें अक्सर तिरस्कार का व्यवहार मिलता था। चौथा और बड़ा कारण था, भारतीय सिपाही अपने कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उनके परिवारों से उन्हें लंबे लंबे समय तक दूर रखा जाता था, उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना भी करना पड़ता था। उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई थी कि कई वर्षों तक सेना में सेवा के बावजूद उन्हें उच्च रैंकों पर पदोन्नति क्यों नहीं दी जाती। 1857 का विद्रोह मई के महीने में शुरू हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के पास मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के एक विद्रोह से शुरू हुई थी। विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल, दक्कन सहित पूरे भारत के हिस्सों में फैलने लगा। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार, नेता और सैनिक शामिल थे। इनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब और मंगल पांडे थे। अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब दिया और वे 1858 की शुरुआत में इसे दबाने में सफल हुए। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया, जिसके बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। पर इस क्रांति ने भारतीयों के खून में आजादी का बीज बो दिया, जिसने 90 वर्ष के बाद वृक्ष का रूप लिया और 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।